नीट जेई की परीक्षा को लेकर देश विदेश के 150 शिक्षकों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, कहा परीक्षाओं में देरी हुई तो छात्रों के भविष्य से होगा खिलवाड़। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से की सिफारिश, बोले तेलंगाना हाईकोर्ट में बढ़ाई जाए न्यायाधीशों की संख्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा लद्दाख की वर्तमान स्थिति 1962 के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, वहीं लगभग 1,000 मरीजों की हुई मौत। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से समिति के चेयरमैन शशि थरूर से किया आग्रह, बोले जम्मू कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट सेवा के निलंबन को लेकर बैठक को करे रद्द। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में एक खिलौना बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। सहारनपुर में बनाया गया साइबर क्राइम थाना, एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने थाने का किया उद्घाटन। वेतन भुगतान की मांगों को लेकर खेल प्रशिक्षक ने खेल निदेशालय के बाहर किया प्रदर्शन, प्रशिक्षकों ने यूपी सरकार से वेतन भुगतान और रिन्यूअल की मांग। अयोध्या में रानी पद्मावती के बलिदान दिवस पर मित्र मंच ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रामनगरी में 16,000 दीप किए प्रज्वलित। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित वीडियो वायरल प्रकरण में कांग्रेस की 3 सदस्य जांच टीम पहुंची आगरा, जांच समिति में पूर्व विधानमंडल दल नेता प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल और पूर्व विधायक अनिल चौधरी रहे शामिल। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में 2 मस्जिदों के बाहर की गई गोलाबारी के मामले में कोर्ट ने की सुनवाई, 51 लोगों की हत्या के आरोप में ब्रेंटन टैरेंट को सुनवाई गई उम्र कैद की सजा। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार और पहली भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस का दिखा भारत प्रेम, ट्वीट कर कहा भारत में दादा से सीखा लोकतंत्र का महत्व। नीदरलैंड के 29 साल की मार्के लुकास रिजनेवेल्ड ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिक बनी मार्के। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्र अधिवेशन में बोली डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप, मेलानिया ने लोगों से चुनाव में उनके पति ट्रंप को जिताने की अपील। यूएई में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला और एनएसएस शेख तहनाउन से की मुलाकात, मुलाकात में अब्राहम समझौते के लिए दी गई बधाई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द बनने वाले हैं पिता, सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर साझा की खुशखबरी। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने ब्रावो। CPL 2020 के 13वें मुकाबले में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया ज्यूक्स को 6 विकेट से दी मात, इस जीत से अपनी नाम दर्ज की लगातार 4थी जीत। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच 8वीं बार वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन ATP टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचे, जोकोविच के इस सीजन का यह है 21वीं जीत। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ओसाका वेस्टर्न ने ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से वापस लिया अपना नाम, कहा अमेरिका में पुलिस के हाथों अश्वेतों का नरसंहार मुझे कर रहा है बीमार। एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने खोला यूरोप ट्रिप का राज, बोली ट्रिप पर सुशांत का था अलग बर्ताव। कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने अपनी गर्लफ्रेंड निधि के साथ की सगाई, सोशल मीडिया पर फैंस ने कपल को दी ढेर सारी बधाई। एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने पहले प्यार का किया खुलासा, सोशल मीडिया पर कैमरे की तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने लिखा फाइनली मैं अपनी जिंदगी के पहले प्यार के पास वापस आ गई हूँ। कोरोना को हराकर एक्टर अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 12 की शूटिंग, सेट से सामने आई तस्वीरें। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 अब OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर होगी रिलीज, सितंबर के पहले हफ्ते में होगी इसकी रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा।